काफी गड्ढे काफी पत्थर बहुत कुछ है यहाँ पे इस पे गाड़ी वैसे चढ़ानी नहीं चाहिए कोई भी ऐसे चढ़ाएगा नहीं लेकिन ये स्कॉर्पियो भाई तो यहां से तो से खैर इजीली निकल सकती है 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 छोटे मोटे जो रेत वेत है, उससे आराम से निकल सकती गाड़ी ये है वो रॉबदार गाड़ी जिसके आगे छोटी मोटी गाड़ियां पानी भर देती हैं ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक एस इलेवन मैं इसको चला रहा हूं पिछले दो दिनों से काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस के साथ में हो चुके हैं लेकिन अगर आपके पास 15 से 19 लाख रुपए तक हैं तो इतना बड़ी अगर आपको गाड़ी मिल जाए जिसके अंदर चढ़ने के लिए भी हमें एक ये फुटबोर्ड का यूज़ करना पड़े अभी इसका सबसे पहले ना इंजन देख लेते हैं कि किस टाइप का है कैसा है क्योंकि एम हॉक डीजल है ये इंजन और माना जाना हुआ महिंद्रा का इंजन है एक बात तो है वैसे क्लासिक में महिंद्रा ने ये हाइड्रोलिक्स दे दिए तो बात है ना ये जो इंजन देख रहे हो ना ये ऑलमोस्ट टू पॉइंट टू लीटर का इंजन है इनलाइन फोर सिलेंडर से ये लेस है ऐसे करके इस इसके अंदर एक सीरीज के अंदर फोर सिलेंडर लगे हुए इसलिए गाड़ी इतनी ज्यादा स्मूथ है टर्बो चार्ज है अगर आप इसका टर्बो चार्जर यहां पे देख पा रहे हो तो ये टर्बो चार्ज इंजन है और इंजन की जो मैनेजमेंट है वो महिंद्रा काफ़ी सिस्टमेटिकली रख रहा है काफ़ी अच्छे से रख रहा है सारी जो केबल्स हैं वो दूर दूर हैं सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल्ड हैं अपने अपने एरिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गिचपिच गिचपिच हो रही हो और इनफैक्ट ये अगर मैं ये हुड खोलने के बाद मैं आपको स्टार्ट करके अगर दिखाऊँ तो ये अगर देखते हैं इसको स्टार्ट करके ये देखिए इंजन को देखना कि कितना हिलेगा ये ये अच्छी बात है क्योंकि इंजन की भी अपनी एक सस्पेंशन होती है वो सस्पेंशन क्या करती है कि गाड़ी की जो वाइब्रेशन होती है उसको कम कर देती है क्योंकि इंजन बहुत ज्यादा हिलेगा और टॉक दोगे तो मतलब थ्रोटल दोगे तो और ज्यादा हिलेगा वो तो गाड़ी की सस्पेंशन कम हो जाती है तो यहाँ से तो ये जो फ्लूड वगैरह देख रहे हो वाइपर फ्लूइड अब आपका ये कूल हो गया और बाकी के जो फ्लूड है वो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक फ्लूड वगैरह वो मिल जाएंगे वो तो सबको ही है जैसे पहले था चीज़ें क्या चेंज हुई हैं बिल्ड क्वालिटी फिट इंड फिनिश और जिस तरीके से हम इस गाड़ी को चला पा रहे हैं और जितना इसके अंदर इंजॉय कर पा रहे हैं और बैठने के बाद ये जो लुक है इसका यही सारी जो चीजें हैं जो भी अगर कमी पेशी भी है कुछ भी है वो सारी सारी पूरी कर देता है ये जो है ना धाकड़पना ये ब्लैक गाड़ियां होती है डॉन के पास और वाइट होती है मिनिस्टर के पास ये तो खैर एक कहावत है लेकिन एक टर्निंग रेडियस अगर इसका देख लेना तो मेरे को काफी शॉर्ट लगा और ये बहुत ही अच्छी चीज है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए टर्निंग रेडियस इतना छोटा सा है कि छोटे से एरिए के अंदर ये गाड़ी पूरी पूरी घूम जाती है अब इसके एक रियर व्हील ड्राइव का एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे देता हूँ जैसे मान लो ये थोड़ी सी चढ़ाई है और अगर आप फंस रहे हो कहीं पे ठीक है तो फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होगा कि वो तो घूम जाते हैं ना टायर उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है घूम तो इसके भी जाते हैं अगर आप ज्यादा तेज से थौटल दे दोगे लेकिन अभी जैसे मान लो कि मैं सिर्फ क्लच छोड़ रहा हूँ और ये चढ़ाई है ये गाड़ी अपने आप ही चढ़ रही है इसमें इतनी ज्यादा ताकत है थ्री हंड्रेड मीटर ऑफ टॉर्क की वजह से इसके अंदर इतनी जान है कि जैसे देखो मैं अभी ये छोड़ रहा हूँ तो पीछे जा रही है ना यानी कि हम स्लांट पे खड़े हैं क्लच छोड़ूंगा और ये अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाती है विदाउट एनी एक्सेलरेशन लेकिन जहां पे मैंने इसको थ्रोटल दिया वहां पे पागल हो जाता है ये ये बन जाता है ये देखो देखा क्या तो मतलब टायर घुमा रही है गाड़ी पूरी इतनी जान है इसके अंदर एक बार में दोबारा से दिखा देता हूँ अभी मैंने क्लच दबा रखा है और ब्रेक छोड़ दी है ऐसे करके तो गाड़ी पीछे जा रही है लेकिन मैं अगर थ्रोटल देता हूँ तेज तो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि 300 हंड्रेड मीटर ऑफ टॉर्क है थी थी और 130 के आसपास इसकी बी है वैसे मैं मानता नहीं कि जो आजकल की बन रही है ना महंगी महंगी जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है कि वो एसी होती हैं। लेकिन ये जो गाड़ी है ना ये एक रोबस्ट कार है और रेर व्हील ड्राइव है ऑल व्हील नहीं आता इसके इसके ऑप्शन लेकिन ऐसी हुई है तो हमारे पास एन में एक ये ट्रेन है चढ़ाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे अब वैसे आपको ऐसी ट्रेन तो बहुत ही कम मिलेंगी जहाँ पे कि आप चढ़ा चढ़ा रहे हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये चढ़ जाए गाड़ी ठीक है और काफ़ी गड्ढे काफी पत्थर बहुत कुछ है यहाँ पे लेकिन अगर ऐसे ट्रेन आपको कहीं मिल जाए तो क्या ही कहना देखो नीचे से ना मोटे मोटे ना पत्थर निकलेंगे और हमारा जो तो कैमरा इस वक्त वो भी फिसल रहा है तो अगर ये गाड़ी मैं चढ़ाने की कोशिश करूँ क्योंकि अगर नहीं चढ़ी तो मुझे इसको बैक लेके आना पड़ेगा तो अगर इसको एक बारी थोटल देते तो यहाँ पे पत्थर के अंदर हल्की सी फंसी है लेकिन इस, इसको अगर और थ्रोटल देते हैं <laughs> तो हम वैसे इसके सेचुरेशन पॉइंट पे अभी तक पहुंचे नहीं है लेकिन यहाँ पे ना इसको ट्रैक्शन मिल नहीं रहा तो कौन सा वाला टायर घूम रहा है एक एक बार ये जरा चेक करो कि टायर कौन सा घूम रहा है पिछला उस साइड वाला टायर घूम रहा है ना यहाँ पे हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया अब मैं ना इसको रेयर में लेके जा रहा हूँ और मतलब बैक बैक ही लेके चलते हैं इसको और इसको उतार देते हैं नीचे एक दूसरा टेस्ट करते हैं जो कि है सैंड टेस्ट क्योंकि इसके अंदर कोई मोड तो है नहीं ठीक है एटीन लैक्स के अंदर आपको कोई मोड नहीं मिलेंगे लेकिन सैंड वेंड पे कैसी है कैसी नहीं है वो चीज़ पता चल जाएगी देखने से तो अब इसको नीचे उतार लेते हैं थोड़ा सा मेरे से दूर रहो तो पता चलेगा कि मैं कितने स्लान पर गया हुआ था और कितने पर मैं आ रहा हूँ पीछे वापस काफ, काफी मजा आ रहा है वैसे एक बात है ऑफ का अगर जैसे मान लो ना आप कहीं पे अगर चढ़ा रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो रिस्की तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन मजा बहुत ज्यादा आ जाता है चलते चलते हमें दिखा कि ये रेत का पहाड़ छोटा सा ही है देखते हैं कितना ऊपर तक जा सकते हैं क्योंकि जैसे वगैरह तो है नहीं ठीक है देखते हैं कि कितना ऊपर तक जाके वापिस आ सकते हैं कहाँ पे फंसती है रेल रेलवील ड्राइवर इसलिए ये सारे टस लिए जा रहे हैं चलो चलो जी रेडी हो जाओ मैंने लगा दिया है फर्स्ट गेयर इसके अंदर कोई लो हाई या फिर लो लो तो है नहीं तो ये जो है ना बिल्कुल ही एक पहाड़ सा ही है इस पे गाड़ी वैसे चढ़ानी नहीं चाहिए कोई भी ऐसे चढ़ाएगा नहीं लेकिन ये स्कॉर्पियो भाई ये मानी जानी हुई ऐसी है तो यहां से तो खैर इजीली निकल सकती है छोटे मोटे जो रेत वेत है उससे आराम से निकल सकती है गाड़ी अब यहाँ पे जो है गाड़ी जो है लॉक हो गई है अब मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा तो ऐसे करके कुछ निकल सकती है लेकिन यही है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोड इससे नहीं कर सकते हो वो क्यों क्योंकि ये फोर व्हील तो है नहीं ये है सिर्फ और सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव कार तो अगर इसको और थोड़ी सी इसकी कोशिश की जाए कि इसको फंसा के देखा जाए कि यह फसरी है या फिर नहीं तो एक बार मैं और इससे कोशिश करना चाहता हूं क्योंकि मेरा तो बहुत ज्यादा दिल कर रहा है ओ मैन अगर मान लो कहीं पे फंस जाते हैं इमरजेंसी में तो ये गाड़ी आपको अच्छे से निकाल के तो ला ही सकती है लेकिन कहीं ना कहीं पे तो यह फंस ही जाएगी थोड़ा सा लेकिन बैक करके निकाल सकते हैं इसको कल मेरी स्कॉर्पियो निकल ये वेरी गुड वेरी नाइस और क्या तो ताकत है इसके अंदर हुआ गया मेरे साथ गाड़ी के अंदर तो भयंकर पावर है भयंकर रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है स्कॉर्पियो है नाम है महिंद्रा है ये भी बहुत बड़ी पहचान है अब ये एक बार इतना चलो ये दिखा दो यहाँ से दिखाओ ये वाले एंगल से कि ये बहुत ऊंचा है जहाँ पे हम चढ़ रहे थे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इसको इसने पार कर लिया वैसे रोड है इधर और यहाँ पे ये यह है लेकिन पहाड़ देखा हो कैसा है रेत का तो हमारी गाड़ी फंसी थी यहाँ पे ये यह देखो यहाँ पे कित कितनी ज़्यादा रेत है अगर इस तरफ दिखाएं तो यहाँ पे कितने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं जिससे हमारी गाड़ी निकली है लेकिन निकल गई अब देख सकते हो कि हमने किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लिया है तो पोटेंशियल जो है गाड़ी के अंदर बहुत है इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे पूरी गाड़ी लग गई थी नीचे लेकिन स्किल से और अपने जो नुस्खे थे उनकी वजह से मैं बाहर निकल पाया दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी के अंदर पोटेंशियल बहुत है प्रॉब्लम ये है कि हमें ज़्यादा चलानी नहीं आती ऑफ हमें करनी नहीं आती इसलिए हम फंस गए थे अगर एक बंदे को आती हो ना उसके अंदर स्किल्स हो गाड़ी चलाने की ऑफ करने की तो ये ऐसी गाड़ी जो कि कहीं फंस नहीं सकती आपने वीडियो के बीच में देखा होगा मैं एक ऐसी जगह पर चढ़ रहा था बिल्कुल ऐसी थी ऊपर चढ़ाई वहाँ पे ये एक जगह फंसी थी मैंने पीछे ले ली थी और फिर मैं कह रहा था कि दोबारा वहाँ पे चलेंगे लेकिन ऑफ कैमरा एक गोप्रो था हमारे पास में हम चले गए एक बहुत ऊपर मंदिर पे और बहुत ही ऊँची सी वो जगह थी वहाँ पे जाके गाड़ी ने जो दमखम दिखाया है वो आप इस वक्त देख रहे हैं और ये जो दमखम है ना वो इसी से मिल सकता है ये जो स्कॉर्पियो है 15 से 18 लाख के आसपास 19 लाख के आसपास की है ये गाड़ी जो है ना हमारे पास दो तीन दिन के लिए है तो आपको इसके अलग अलग टाइप के वीडियोस देखने को मिलेंगे वो सारे वीडियोस देखने के लिए अगर आप खरीदना चाह रहे हैं इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो क्योंकि हमारी बहुत सारी मेहनत हो गई सारा मिट्टी मिट्टी हो गई है पसीने पसीने हो गए हैं सर्दी के अंदर भी पसीने आ रहे हैं लेकिन ये जो है काफ़ी दमदार चीज़ है और कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर जो कि अभी तक मुझे पसंद नहीं आया वो मैं बताऊंगा अगले आने वाले वीडियोस के अंदर कि क्या हो सकते हैं पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए की वॉचिंग की प्रॉकिंग किंग इंडियन स्कॉर्पियो के लिए भाई को और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और लाइक बाय बाय